ख़राब हो चुका है, तो हमने इसे यहाँ पर दूसरा साइनिस वाला कार्ड इंस्टॉल किया हो, जो कि बहुत ही नॉर्मल कनेक्शन है इसका। आप एक बार देखने पर इस कनेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ, ये बोर्ड है मैंने इसमें इंस्टॉल किया हूँ, ठीक है, ये बोर्ड है यहाँ से इंस्टॉल किया, ठीक है। और ये देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हमारा आ चुका है, देख सकते हैं। तो इसमें पेन ड्राइव लगा के रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैंने किस तरह से इंस्टॉल किया हूँ उसका कुछ डिटेल्स आपको साथ बात करूँगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो इंस्टॉल करने का तरीका है वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी इमेज है ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, मतलब क्लियरिटी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो एक आपको वीडियो भी चला के दिखाता हूँ मूवी सॉन्ग का, देख सकते हैं ये हमारा 2018 का एलईडी है। तो हम इसका कनेक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा, ठीक है, जो डिटेल से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या हुआ है इसमें। और इसका पहले मैं इसका जो मैंने कार्ड इंस्टॉल किया हूँ इस कार्ड का मॉडल दिखाता हूँ आप लोगों को। यह है इसका कार्ड का मॉडल, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इसका रिमोट जो आता है हमारा ये वाला रिमोट है इसका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर LBDS का कनेक्शन है जो कि आपका साइन वाला साइड है, और आपको LG में इसको लगवाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया हूँ, ठीक है। तो LBDS का डाटा सेट अगर आपका याद है, और जिन लोगों को याद नहीं है मैं इसमें इस वीडियो में आपको बताते जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत डिटेल से बात करेंगे। और ये हमारा बैकलाइट सप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो बैकलाइट सप्लाई भी कनेक्शन किस तरह से हुआ है इस मॉडल में वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसका जो सेंसर कनेक्शन है ये मैंने एक्स्ट्रा सेंसर यहाँ पर लगा के रखा हूँ, जो मुझे अभी इस सेंसर को इस पे इंस्टॉल करना है। तो इस पे हम कैसे कनेक्शन निकालेंगे इसका वो भी बहुत आसान तरीके से है, जो मैं डिटेल से आपको बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अब हम इसको ये जो पैनल है हमारा इसका रेजोल्यूशन आपका नॉर्मल रेजोल्यूशन है जो क्या हुआ, जो ये पैनल है हमारा 12 वोल्ट का पैनल है, और हमारा ये नॉर्मल का है, नॉर्मल पैनल है जो फुल HD नहीं है इसमें, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी हमारा इसमें फुल HD, जो इसमें सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पर नॉर्मल पैनल है तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो इसका आपका 768x1366 है, ठीक है। तो उसका रेजोल्यूशन, और इसका जो रेजोल्यूशन मैं डिस्प्ले में भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया रेजोल्यूशन के बारे में बता दूँगा। तो कनेक्शन के पैनल के कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए मुझे इसको
चेंज करना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पैनल। और यहाँ पर पैनल का जो डाटा सीट है, आपको अगर याद रखना है तो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं आप। LG सीट में कॉमन तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है यह हमारा हो गया 12 वोल्ट इनपुट। ये पैनल 12 वोल्ट का पैनल का है, जो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट इनपुट होता है, ठीक है, ये साइड में। और यहाँ पर हमारा निगेटिव, और ये हमारा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यह हमारा LVDS का कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये वाला माइनस ये प्लस है, तो ये पर बीच में ग्राउंड, तो ये सीरियल वाई होता रहता है 0 1 2 3 4 इस हिसाब से अब हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सपोज माइनस पॉइंट है ये वाला, मैंने यहाँ पर माइनस दिया हूँ, माइनस बोल, ये बार प्लस बोल आता है, ठीक है। ये माइनस बोल प्लस बोल, माइनस बोल प्लस बोल, माइनस बोल प्लस बोल, माइनस बोल प्लस बोल, माइनस प्लस, ठीक है। तो इसी हिसाब से सीरियल करके हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर डिटेल से हम और बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग समझ में आ चुका होगा आप लोगों, ये जो LVDS का कनेक्शन है, सो मैंने ये पत्ता पैर डायरेक्ट सोल्डरिंग कर चुका हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेके, ठीक है, ये पैनल से पॉजिटिव निगेटिव आया है, जो यहाँ पर हमारा मीटर के थ्रू कंटिन्यूटी चेक करके हमने डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया पैनल के। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैनल का मैंने यहाँ पर डाटा आप लोगों को दे दिया हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो चुका है। तो अभी हम आते हैं इसका बैकलाइट के कनेक्शन के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका झंझट हो सकता है बैकलाइट में, क्योंकि आपका अगर बैकलाइट का कनेक्शन सही तरह से नहीं होगा तो आपका बैकलाइट कंप्लीट नहीं जलेगा, ठीक है बस। तो इसका ध्यान रखें, जो इसका बैकलाइट का आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है इस वीडियो में। तो यह हमारा हो गया बीच में जो दो तार हैं, ये जो मैंने पकड़ के रखा, ये दो पॉजिटिव हैं, और यहाँ से जो तीन तार है यह हमारा हो गया नेगेटिव सप्लाई। आप डायरेक्ट करके इसको जला सकते हैं, ये पॉजिटिव दो, ये तीन नेगेटिव हो गया हमारा, ठीक है। तो ये यही कनेक्शन है यहाँ पर तीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की वाला बात है, अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर वापस आप इस वीडियो के थ्रू से देख के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो बैकलाइट का सप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। तो बैकलाइट के अगर आपका, मैंने यहाँ से दो रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मेरा इसमें इतना वाट का LED नहीं था, जो अगर ज़्यादा वाट का होगा तो हमारा LED ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस दो को ओपन कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ओपन कर दिया हूँ, चुका है ऑलरेडी बैकलाइट में। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा हो चुका है वो कनेक्शन, और इसका भी मैं कनेक्शन थोड़ा सा जानता हूँ। ये हो गया सेंसर का पॉजिटिव वाला, और ये हो गया हमारा IR कनेक्शन, ठीक है। तो इसका बगल वाला हो गया हमारा, इसका बगल वाला हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये वाला। ये हो गया ग्राउंड कनेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा
आईआर कनेक्शन और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा सेंसर इसमें कनेक्शन दे देने से काम करने लगेगा। जो एलईडी है उसका कनेक्शन आप देख लीजिए, वो आपको लगाना है या नहीं लगाना है वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं उसका कनेक्शन निकाल के लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कनेक्शन ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, बस तो इसका कनेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। होने के बाद अब इसको वापस एक बार पावर दे सकता हूँ। जो इसे कार्ड है इसको हम बॉडी में फिट कर देंगे बाद में। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बार आपको वापस से ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसका सर्विस मोड है आपका, इसका जो सर्विस कोड है वो हो गया 1147। आपको मेनू दबाना है, मेनू दबा के 1147 इसमें डायल करेंगे रिमोट में, तो आपका ये सर्विस कोड निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्विस कोड आने के बाद वहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार पावर देता हूँ इसको, तो मैंने पावर दे दिया हूँ यहाँ पर। तो पावर देने के ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये एक बार आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं कि हमारा सेट ऑन हो चुका है। ठीक है, तो आज का वीडियो अभी यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और इसका जो फिटिंग करने का तरीका है वो आपका जो बैक कवर है वहाँ पर ये फिट हो जाएगा, जो नाट अगर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है इस पर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको काटना भी पड़ सकता है बॉडी को, तो इसके लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करके फिट कर दीजिए। ठीक है, मैं उसी प्रकार का फिट कर दूँगा। जो स्पीकर कनेक्शन है इसका मैं यहाँ से स्पीकर कनेक्शन दे दूँगा। ठीक है, तो यह हमारा सेट ओके हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ।